मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। रुक जाओ भाई। क्या हुआ? जब देखो तब जोशीले सांड की तरह अपना काम निकल जाता है तो फिर यहाँ से भाग जाते हो, लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? मतलब क्या है? मेरा पांचवा महीना चल रहा है। क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या कहा था तूने? जो करना था सब करके अब झूठ बोल रहा है। क्या? मैं झूठ नहीं बोला। जो झूठ तुम बोल रही हो, कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ। पाटिल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। आज तुझे ऊपर पहुंचा के रहूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा। बाहर निकल, घूर के क्या देख रहा है? बाहर निकल। क्या हुआ मिर्ची? तेरे शरीर में भूत घुस गया है क्या? मेरे दरवाजे पे लात मार रहा है, चर्बी ज्यादा चढ़ गई है क्या? ए मेरे पूरे परिवार की बलि ले लिया ना, ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? हाँ जिंदगी और मौत से तड़पते हुए मेरे परिवार को बचाने के लिए तेरी बंजर जमीन उसके बीच एक रास्ता मांगा, गलत था, गलत था। ओहो, तू रास्ता मांगेगा तो मैं दे दूँ क्या? इस गांव में कोई भी आकर जमीन मांगेगा तो उसे दे दूँ? ए तुम सबको घूमने के लिए मेरी ही जमीन चाहिए थी क्या? मैंने क्या तुम्हें कुछ लिख के दिया है? फिर तेरे परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं कैसे हूँ? अरे इसकी तो बंदूक से शूट कर दूंगा, छोड़ो मुझे। चल निकल रे, जिंदा रहे मिर्ची। अगर दम है ना तो आके यहाँ सीने में गोली मार। आ यहाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे गोली मारेगा। छोड़ो मुझे, बंदूक लाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। गांव में जितने लोग मर रहे हैं उसका कारण ये पाटिल है, तुम लोगों को पता है, इस सबकी वजह यही है। तू क्या बकवास कर रहा है? अरे इन गाँव वालों के मौत का जिम्मेदार मैं कैसे बनूंगा? हाँ ये तो उनकी किस्मत है, मौत आएगी तो मरेंगे ही, हम क्या कर सकते हैं? ए छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे खींच के हो, छोड़ो। ए मासूम गांव वालों से 5-10 रुपए का मजदूरी का काम करवाते हो, देख लेना पाटिल। उन सब को अगर मैंने शहर ना भिजवाया ना तो मेरा नाम बदल देना, फिर से तुम्हारा काम बंद कर। बकवास बंद कर, तुझे जो भी करना है, तुझे जिस चीज को लेके जहाँ भी जाना है, ए मिलिट्री लेके जा सबको। ए मेरा बंदूक दो, मेरा बंदूक दो। ए पाटिल, तू गांव का बड़ा आदमी नहीं है? इन गांव वालों का उपकार करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ मेरा गांव। हाँ देख लो, ये सब मेरा साथ देंगे। इन बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ नफरत क्यों भर रहा है? इतनी नीच हरकत करते शर्म नहीं आती? तुझे जो भी करना है जा कर ले। अरे चल जा रहे हैं, छोड़ूंगा रे, निकल, छोड़ूंगा रे, निकल यहाँ से। देख लूंगा तुझे पाटिल, एक दिन तेरे गांव के चौराहे पर। अबे मुझे धमकी दे रहा है क्या? इन छोटे छोटे बच्चों के सहारे मुझसे दुश्मनी पालने की सोच रहा है? मुझे जानता नहीं है तू? टुकड़े कर दूंगा मैं, चल निकल। कोई भी पुकारे हमें, हम ना किसी से डरने वाले। क्या मस्त है।
वहाँ देखो कैसे देख रहे हैं। लगता है उन लोगों ने देख लिया। अरे इधर ही आ रही है। ये क्यों चोर की तरह इस गली में जा रहा है? मंगला 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 कोई नहीं है। मंगला 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 मंगला। अरे मंगला, अरे मेरी मंगला। हाथ में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मरहम लगा दूं क्या? रुको, लगा दिया। अच्छा बेटा हकले, जानू क्या हुआ? झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाना है क्या? रुको मैं लगा रहा हूँ। कहा गया झाड़ू जानू पोछा लगाना है। पोछा मारना है? मैं मारता हूँ ना पोछा। रुको अभी मारता हूँ। पोछा मार दिया। पूरा मारूंगा। तुम तो मेरी जान हो। मंगला बहन, कोई दरवाजा खटखट आ रहा है। कौन है वो? पता नहीं कौन है। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ, बाद में आना। तू नाला खोला था, अब बांधना पड़ेगा मुझे। अब आना, दिखाता हूँ तुझे। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। कहाँ गया था तू? मंगला ने घी मांगा था, वही देने गया था मैं। अबे बेवकूफ, पागल बनाता है मुझे। कौन सा घी देने गया था पता है मुझे? छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ए पागल, एक ना एक दिन फंस जाएगा। चल निकल यहाँ से। मत बताना। चल हाथ जोड़ता हूँ, मत बताना। पाटिल की शान तो देखो। तन 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 ये चार पिलो भैया। ए मामू, चार चाय देना। चार चाय में क्या होगा, दस देता हूँ ना, आ जाओ। दे दो मामू। बेकार में गांव वालों के बारे में बात करते बैठे हुए हमारे पाटिल साहब को पिला देते हैं। अरे इसकी तो छोड़ मुझे। क्या बात है रामलाल, सुना है तेरा बेटा शहर से आया है? हाँ पाटिल जी, बेटे की कमाई से सारी उधारी चुकाकर अब सुकून से जी रहा हूँ। माँ बाप के जिम्मेदार बच्चे ऐसे होते हैं क्या? अरे मेरे भी बच्चे हैं, शहरों में बस गए, वहाँ पैसे कमाकर बंगला और गाड़ी खरीद लिए और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यही कह रहे हैं पाटिल जी। ये कौन है भाई, अतरंगी कपड़े पहना हुआ है? गांव में ऐसे ही घुसा है ये तो? अरे ये तो हमारे राजा भैया का बेटा है ना। अच्छा, नमस्कार पाटिल जी, कैसे हैं आप? ए, नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? आई एम फाइन, नो बीपी, आई एम हैप्पी। ये क्या बोल रहा है? Yeah. अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है? इसको क्या हो गया? कुत्ते की चेन पैंट में पहन के आ रहा है। अजय, विजय, हकला, रामू, हाय ब्रोस, हाउ आर यू? क्या ब्रास कहा? मैं कौन हूँ तुम लोगों को नहीं पता चल रहा है ना? मैं हूँ सीना। ये हमारा वो वाला दोस्त है। ये क्या है यार, तूने इस तरह की पैंट क्यों पहन रखी है? ये स्टाइल है मेरे यार, स्टाइल। स्टाइल है क्या? कहाँ थे तुम इतने दिन तक? बेंगलोर में यार। बैंगलोर में करता क्या है तू?
इंटरनेशनल कंपनी में चीफ मैनेजर हूँ। नॉट लाइक दैट। अरे इनके समझ में नहीं आएगा, छोड़ो इसे। घर में खाना, मंदिर में सोना, यही रहना, गांव में घूमना, यही काम है इनका। इनको अंग्रेजी कहाँ से आएगी? वेरी बैड, वेरी बैड। हे, तुम लोग गांव छोड़कर बेंगलोर आओ यार, आराम से कमा कर एसी रूम में रह सकते हो। थू, क्या रखा ऐसे गांव में यार, डर्टी स्मेल। हे, क्या बोला तू? गांव के बारे में कुछ कहा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे में। क्या बोला? गांव में क्या है, क्या नहीं है? यहाँ अच्छी हवा, पानी, रोशनी, माँ बाप, तालाब, सब कुछ है। यहाँ पर अच्छी सलाह देने वाले बुजुर्ग हैं, तकलीफ में गांव वाले हैं, खेत खलिहान, बारिश, फसल पर भरोसा करने वाले कभी नहीं। कोई ना यार, ये शहर में रहने वाले मच्छर को क्या मालूम गाँव की ताकत क्या है। तो गलत है यार, स्वभाव से बुरा कोई नहीं होता, शहर में जाने के बाद ही बुरे बनते हैं। इस धरती माँ पर भरोसा करने वाला कोई बुरा नहीं होता मेरे दोस्त। मेरी इस माँ पर भरोसा करने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता। हम जीते हैं यार, छेड़ो न यार, हाँ नादा समझ के छेड़ो न यार, हमसे कोई भी खेलो न यार, हम हल चला na 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 na
गोविंदा आला रे गोविंदा तू आ जा कृष्णा तू चला जा ला 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 ला। दो में चार चाय देना मामू। चाय नहीं है तो ये क्या पी रहे हैं लोग? दूध नहीं है क्या? गाय दूध भी देती है, गोबर भी देती है, लात भी मारती है, दुम भी हिलाती है। चाय उधारी नहीं है? उधारी क्या, कितने लाख बाकी है मामू? लाख की बात छोड़, पहले 30 रुपए दे दे भाई। फालतू के 30 रुपए, बस अभी निकाल के देता हूँ। हाँ हाँ, इसके मुंह पे पैसा मार। नहीं है, बोल के फंस गया मैं। मामू चेंज तो देना इसको। चेंज नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, चलेगा क्या? अबे भिखारी तेरे शौक बहुत बड़े हैं। अरे मामू शौक से जीना होगा यार। एकदम सही कहा मामू, देखकर कुछ सीखो। देख लो, देखकर सीख लो। मेरे पापा को पता नहीं है। होगा तो भी कुछ नहीं होगा। तुमने जो मोबाइल दिया था वो खराब हो गया। उसके लिए तुम टेंशन मत लो। देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया, इसी तरह सेहत बनाओ। इसकी बाकी। क्या हुआ रे पद्मा? पद्मावती, तू सीना की डार्लिंग है। तू ये बर्तन घिसने का काम छोड़ दे, मेरे साथ बैंगलोर चल, वहाँ अच्छी अच्छी मूवी देखकर मौज करेंगे और तुझे भी मजा आएगा। क्या? अबे ये कमीना हमारे गांव के तालाब पर ब्रिज बनवा रहा है, आज ये पिटेगा मेरे हाथों से। रुको 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 रुको, क्या हुआ पद्मा, भागते भागते कहाँ जा रही हो? मुझे मेन रोड तक ड्रॉप करोगे क्या? व्हाई नॉट, कम ऑन डियर। अरे रुको रुको रुको, यहाँ पर ही रुकना है। अरे क्या क्यों कर रही हो, एनी प्रॉब्लम? पहले तुम यहाँ से जाओ ना। अरे पता नहीं, वो अभी तो आया थी। हे भगवान, क्या हुआ, इतने लोग क्यों खड़े हैं इसके घर के सामने? अभी अभी तो मैंने पद्मा को ड्रॉप किया है, क्या हो गया इतने में? देखता हूँ। तू कहाँ चली गई? चलो आगे थोड़ा जाने दो। बेटा तू पद्मा पद्मा करता रहता था ना। हाँ। पता है वो क्या करके गई है? क्या हो गया, क्यों रो रही है? रो नहीं तो क्या करूँ बेटा, घर के सारे जेवर लेकर उस राजा भैया के बेटे के साथ भाग गई वो। क्या करूँ मैं, उसके भागने में किस किस ने सपोर्ट किया है मुझे अच्छे से पता है। उनका घर बर्बाद हो जाएगा, उनके घर से भी लोग भाग जाएंगे, देखना सब मर जाएंगे। शिवा 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 शिवा, ए दे मुझे। क्या हो गया उसे, क्या हो गया उस बच्चे को, ऐसे डांस कर जैसे मिर्ची का दौरा पड़ा है। ये कौन सा गाना है रे, आंसुड़ा कह रहा है, बेंसुड़ा कह रहा है। सरकार ये तो फिर ठीक ही है, एक और सुनिए। उसुकु पुसुकु पुसुकु हिसुकु हिसुकु पुसुकु पुसुकु, अरे ऐसा भी कोई गाना होता है क्या सरकार? खराब हो गई भोला, फिल्म लाइन ही खराब हो गई। अरे हमारे जमाने में कहाँ ये पिक्चर विक्चर थी, अरे लोग खुशी पाने के लिए एंजॉय करने के लिए नाटक किया करते थे। सरकार नाटक कहते ही याद आ गया, कितने साल हो गए गांव में नाटक किए हुए। नाटक का नाम सुनते ही आसपास गांव के सब लोग आ जाते थे, क्या सीटियां मारते थे, तालियां बजाते थे। बोला पुरानी बातें याद आ रही हैं, उस वक्त जब मैं भीम की पोशाक पहनकर जैसे ही मंच पे आता था ना, बहुत ही शान से उस गदा को लेकर चलते हुए आके मंच पे खड़े होते हुए देखता ना तू, तो लोग थर 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 कांपने लगते थे, डर जाया करते थे भोला। वैसे डरने वाले लोग कहाँ हैं सरकार।
अरे बेटा हा? अरे कहाँ जा रहे हो? खेत पर जाने के लिए कहा था ना। थोड़ी देर में आता हूँ पापा। अरे कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? सब कुछ मैं अकेला ही करता रहूँगा क्या? इस बेवकूफ को कब समझ में आएगा पता नहीं। ए भगवान। हकले का कहना बिल्कुल सही है यार। टाइम पास के लिए गांव में पद्मा आई थी और अब वो भी यहाँ से भाग गई। वक्त बिताना ही दुश्वार हो गया है यार। अगर हम नाटक वाटक करेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी आ जाएंगे। क्या कहते हो बोलो? लेकिन आजकल नाटक देखता कौन है यार? अबे तू भी ना। अरे सुनो, वो पाटिल है ना, मैं ही बहुत बड़ा कलाकार हूँ कहकर अपनी तारीफ कर रहा था। ऐसा क्या? हाँ। तो उस पाटिल की चर्बी निकालने के लिए नाटक करेंगे। नौजवान लड़के जब अपने पर आते हैं तो नाटक भी करते हैं और किसी की वाट भी लगा देते हैं। उसी पाटिल की चर्बी पिघलाने के लिए नाटक करेंगे। चलो दिखाते हैं। आज वैसे बगल के गांव में एक मस्त लड़की है, उसे भी नाटक कर लेते हैं। कलाकार है। चलो चलो। नमस्कार रामू, चलो बता इसको। हम सभी लड़के मिलकर महाभारत का नाटक करने का फैसला किया है। सभी लोगों को कंपलसरी चंदा देना ही होगा। अरे तुम लोग जो कर रहे हो यही बात है। ये मटका लेकर किसी ताड़ के झाड़ पे चढ़ जाओ, वही बहुत है तुम्हारे लिए। छोड़ो यार, जाने दो। सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहिए, बाद में देखते हैं इसको। चलो चला। आज इसे जुलाब की गोली खिलाएंगे तब पता चलेगा इसको। हम लोग नाटक करने जा रहे हैं तो इसमें चंदा डालो ना। ये सब नाटक किस लिए? अच्छा, खेलने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तेरी जात का काम करना। अरे चलो नाटक के लिए चंदा दो। क्या है भैया? चंदा चाहिए? पॉकेट में भीख मांगने आकर जाकर काम करो, कुछ जाकर कुछ काम काज करो, अपने दम पर कमाओ। ए भाई 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 भाई, हम सारे लड़के मिलकर एक नाटक करते हैं, चंदा दो ना। अरे नाटक करना है तो अपने पैसे से करो ना। चल, अरे कितना कंजूस है यार। इस घर रत्नगर। रत्ना दीदी चंदा दो ना। अंदर गया लगता, पैसा लेकर ही आएगा, ले रहा होगा। चंदा कहाँ है यार? अरे रे, क्या हुआ रे? ऐसी क्या, इसको ऐसी जगह पर मारा है कि अब इसकी शादी भी नहीं होगी। चलो इधर देखने मांगते। बाप रे, दीदी बजा क्या रहा है, ताला लगा है। अरे विजय, ये सब क्या है यार? कोई भी चंदा नहीं दे रहा, अब हम सब लोग क्या करेंगे? भाई मंत्र पढ़ने से आम ऊपर से नीचे तो नहीं गिरेगा ना? देखो, मंत्र से आम नीचे नहीं गिरेगा ये तो सच है, लेकिन उसी मंत्र से आम के पेड़ को हिलाने की शक्ति है मुझमें। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो क्या है यार? आम का फल, पेड़, पौधा, गुठली, बीजा, क्या है? अरे सुन तो सही। यार हमारा नाटक भी रुक गया। यार ताश खेलकर पूरा पैसा हम लोग हार चुके हैं। गांव के लोग जब हिसाब मांगेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे यार? अरे वहाँ देखो यार। क्या है? टैंक है, पानी टपक रहा है। रत्ना आंटी के घर के पास एक टैंक है, उस टैंक का मोटर खराब हो गया है। हाँ यार, मेरी भाभी चलाती रहती है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा? मोटर को शहर ले जाकर मुन्ना के पास रिपेयरिंग करवा लेते हैं। उसके बाद टैंक को पेंट पेंट मार के पाटिल से उद्घाटन करवा देंगे। और बाद में गांव वाले हमसे हिसाब मांगेंगे भी नहीं। हमारे गांव के पाटिल का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। सब कुछ रेडी है ना? हाँ। पाटिल जी की जय। 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 पाटिल जी की जय।
ए, उस नाटक का क्या हुआ? हाँ, पानी पाटिल जी आराम से। अरे क्या कर रहा है? आराम से नाटक का क्या हुआ? कुछ भी कहो यार शामू, इस बीड़ी को फूकने में जो मजा है सिगरेट फूकने में नहीं है यार। हाँ। मजा आ गया यार। वाह बीड़ी अच्छी थी यार। ये सिगरेट जो है ना बहुत ही महंगी चीज है। हाँ। और इसको बार बार पीने से कैंसर हो सकता है। हाँ। हाँ। इसको बताया फिल्म शुरू होने से पहले दिखाते हैं ना, इस शहर को हुआ क्या है सिगरेट पीने से कैंसर होता है। यहाँ हमारे गांव में किसी को बीड़ी पीने से कभी कैंसर हुआ है क्या? कभी सुना है क्या? अरे विजय, हमारी पद्मा के जाने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया यार। एक बार बेंगलुरु जाके आए क्या? क्यों, उस पद्मा को ढूंढने के लिए? अरे नहीं यार, उस बेंगलुरु में सुना है लड़कियां चड्डी पहनकर घूमती है। गर्मी ज्यादा होने के कारण लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। बात सुन, वो बेंगलोर की लड़कियां है ना, वो फ्रिज में रखे पुराने खाने की तरह होती है, और हमारी गांव की जो लड़कियां है ना वो अभी अभी ताजा बनी हुई मुर्गी जैसी होती है, उसको खाने का मजा ही कुछ और है। अरे पता क्या? वाह 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 वाह, देखो यार। बात बता। हाँ। हमारे गांव में एक नई लड़की आई है ना, कौन है वो लड़की? अरे मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अब कौन आता है कौन जाता है यही देखता रहो क्या मैं दिन भर? अबे तू क्या काम करता है मैं अच्छे से जानता हूँ। नैना वो देखिए, वो दिख रहा है ना, वो जितना भी। अरे बेटा। अरे क्या है माँ? कहाँ जा रहे हो बेटा? यहीं पर थोड़ा सा काम है, आता हूँ रुको। ऐसा कौन सा काम है बेटा, ऐसे आवारा घूमते रहोगे या काम धाम कुछ करोगे? माँ जाने के समय किचकिच मत करो, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे 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 रुको, मेरी बात भी नहीं मानता नालायक। हे भगवान, इसको कब अक्ल आएगी, इतना बड़ा हो गया है। कौन सा मारू? पीछे वाला, पीछे वाला। अरे यार रुक जाना यार, एक मिनट रुक ना, एक मिनट। अरे मुझे खेलने दे ना, मैं खेलूंगा। ए भाई तू क्या कर रहा है? आज आपको अपना सारा गांव घुमा दूंगी, एक एक चीज दिखा दूंगी। ठीक है खेल खेल तू। ओ वो देखो मामा। हाँ बोल कौन सा मानू? हाँ वो पीछे वाला मान। ठीक है आओ आओ आओ। क्या रे तेरी नजर किसी और जगह पे है, क्या चक्कर है ये? चल अपना काम करना। ये देखो ना देखो, लड़की से दोस्ती करके वो कहीं बैठता नहीं खड़ा रहता नहीं। शिवा शिवा वो कहीं बैठता नहीं खड़ा नहीं रहता। शिवा शिवा नजर में तूने क्या किया? देना
नजर में तूने क्या किया। हाँ, वही किया जो तूने कर दिया। बाद मिले हो मुझको, रोको न मुझको जाना। हाँ देख ले पहले तू जाके आईने में मुख अपना। अरे यार वो तो वैसे भी मिलिट्री वाला है, बगल में बंदूक लेकर घूमता है, पकड़े जाएंगे ना तो भून कर रख देगा। अरे पागल, एक तो हम लोग चोरी करने जा रहे, ऊपर से तू डरा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, चुपचाप चलना, आजा। अरे भाई सांप का बिल है, आराम से चलना। क्या बात है भाई, ये तो शहर की छोकरी की तरह चमक चमक रहा है। अरे शहर की छोकरी पके हुए करेले जैसी होती है, बाहर से लाल दिखती है अंदर से कड़वी। ये हमारे गांव की लड़कियां इस कटहल की तरह है, बाहर से कांटे होने पर भी अंदर से मीठी। इसका मजा ही अलग है, खाओ यार। इंसान इतना लालची हो गया है कि वो किसी भी चीज को लूट कर खाने लगा है, अपने बाप का माल समझ कर। अरे यार अपने खाने के टाइम में ये लंबा चौड़ा भाषण कौन दे रहा है? पीछे देखो। बैठो बैठो, सब लोग बैठ जाओ, खा कर जाओ। फल हमेशा मिलकर खाने के लिए होता है। ए, ये लो मामा, वो तो खाओ।
आओ, नहीं तो ऐसे ही घुसा दूंगा। ए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ए, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे? क्या हुआ? ये तो क्या हुआ? क्यों रामू, अब तेरा बाप कैसा है? खेत में काम करने नहीं आ रहा है? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तो आराम कर रहे हैं। वो तो पाटिल के पीछे पीछे उसका काम कर रहा है। क्यों रे, तेरे बाप की उम्र कितनी हो चुकी है? उसने तुम्हें पाला, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? लगता है इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। बूढ़ा बोलता है, बेवकूफ कहीं का। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे तो जल्दी जाना। ए, जा। अरे बोला ना जा। ए, कौन है वहाँ? वो तो भोलानाथ है। अरे क्या हुआ भोलानाथ? नमस्ते मिलिट्री भैया। हाँ, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाकर दिखाओ। चलता हूँ, देर हो जाएगी। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। उस बच्चे को उठाकर इस धूप में बेचारा कितनी दूर तक चलेगा? रास्ता कितना लंबा है, कोई सड़क भी नहीं है, कोई बस भी नहीं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मामा जी, हमारे गांव के सभी औरतें मेन रोड तक पैदल चलते हुए जाती हैं, वो भी धूप में। तुम सभी युवक हो, विकास के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम लोग बेकार। अरे लगता है 9 बज गए यार। चलो चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? हम विकास करने के लिए। चलो चलो। क्रेजी फेलोज। अबे बोलना यार। अरे कुछ भी नहीं यार। अरे इतनी शर्म क्यों आती यार? पिक्स चाहिए क्या? अरे ये नहीं यार। अटो और क्या है? वैसे हमारे टीवी में आता ना धारावाहिक, उसकी जरा खींच रहा है। तेरी बात हमारी सिनेमा की तरह टका टका टका। जल्दी से बता दो यार। अजय, हमारी पाटिल साहब की पोती के बारे में क्या ख्याल है तेरा? ए, कौन से पाटिल की पोती? हमारे पाटिल साहब की पोती यार। नहीं ना, नैना से लव कर रहे हो क्या? तेरी ये बात पसंद नहीं है मुझे। अरे देना। अरे यार ये शराबी हमारी असली रानी है, इसको पीते ही सब दुख दर्द दूर हो जाता है। ये बेसब्री से इंतजार कर रही है कि हम इसको खत्म करें, और तुम लोग उस रानी के पीछे पड़े हो यार। हो गई क्या? किसी महापुरुष ने कहा है, कोई भी इंसान दुनिया में किसी के प्यार में पागल होता है, वो इंसान दुनिया का महान इंसान होता है। अब बताना हम चारों में से कौन महान है? अरे यार जब तुझे हजम नहीं होती तो इतना पीता क्यों है? ए, सो जा यार, पूरी तरह सो जा, वाला नहाता भी नहीं है तू। फोकट का मिलता है तो साला अपने बाप का माल समझता है। समझ नहीं पाता। रात तक ज्यादा पिएगा तो ऐसा ही होगा, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। चलो इसको उठाते। अरे इसको ले चलो आराम से। आज चल। किसी को कुत्ते की तरह मार रहे हैं, लगता है किसी ने चोरी किया यार। अरे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं यार, कौन मारता है? जगह छोड़ो, तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो उसको। ए लाला इसको देखो तो, बेचारा भी कितना छोटा सा है। बताओ लाला, बताओ इसने क्या किया? मार रहे हो। बताओ लाला, बताओ इसने क्या किया? मारो। ए सुना नहीं, क्या किया इसने बताओ? अरे किस मुंह से बताऊं मैं क्या किया? लाला बताओ इसने क्या किया? इसने क्या किया अपने मुंह से ही बोलो ना। इस कबीने ने शाम को मेरे घर वाली को पेड़ पर चढ़ कर के देख रहा था, बदमाश कहीं का। अगर किसी ने मारा तो तेरी माँ की कसम। अरे अरे पागल कहीं का, वहाँ जो कुछ भी हुआ
मुंह से बोल कर बताओ। मेरी गाय बकरी घूम गई थी। अरे अब इसकी सुनो। पेड़ पर चढ़कर देख रहा था, इनकी पत्नी आकर करके जोर जोर चिल्लाने लगी। अच्छा, नहीं वैसा। अरे पहले क्या हुआ है वो जान तो लो ना, लाइव देखने के बाद भी रिवाइंड करके देखो कहाँ है। हाँ वो रिवाइंड करके देखने को कह रहा है। ठीक है जाओ, जो गलती हुई नहीं है उसे वायर यू गिविंग खाली पीली का टाइम। मेरे दोस्त को बिना गलती के सजा क्यों दे रहे हो ये? आप हिंदी में बोलकर बताइए तो जान। पेट भर के पीने के बाद चादर ओढ़कर सो जाना चाहिए यार। ये मुझे पता नहीं है क्या? अरे गांव वालों, आज इसे बिना गलती के सजा दिए हो। पाटिल इतनी गलती करता है उसको कौन सजा देगा? गलती गलती क्या किया है? बताता हूँ, रुको। आज इसने देखा कहोगे, कल दूसरे को देखा कहोगे, कल कहोगे किसी और ने देखा। ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि घर की औरतें बाहर जाती है। यही तो समझा रहा हूँ, हर एक घर में टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट? अरे इन लोगों के पास पैसा कहाँ है टॉयलेट बनाने के लिए? क्यों क्यों नहीं बना सकते? हर एक के घर में टीवी नहीं है क्या? सबके घर में टीवी है ना? ए बता, तेरे घर में है ना? है। तेरे घर में भी है ना? और लाला तेरे घर में नहीं है क्या? सीधी टीवी है मेरे पास। सुन लिया ना, हर घर में एक एक टीवी चाहिए। हर एक आदमी को जेब में टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए। अपनी खुशी के लिए इतने पैसे खर्च करते हो, घर की औरतों के खुशी के लिए थोड़ा नहीं खर्च कर सकते क्या? बात करते हो तुम। दो मुंह में आ रहा बकवास कर रहा है। टॉयलेट बनाएंगे घर में, टॉयलेट बनाएंगे। अरे लाला मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? अरे क्यों कर रहा है ऐसा? वो टेढ़ी रहती है, जो कुछ कर लो। विजय, ये क्या है बेटा? पीकर आए हो तुम? क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तेरा बाप भी ऐसे पी पी कर ऊपर चला गया और अब तुम पीकर आए हो? क्यों क्यों बेटे, क्यों किया ऐसा? बताओ बताओ मुझे। खाले पहले चिल्ला मत, भूख लगी है, खाना दे मुझे जल्दी। अरे भगवान, अरे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मुझे ऐसा बेटा दिया? मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया? मेरी बारी। खेलो यार। अरे हनुमान, क्या है? ए, आजा खेलते हैं। मुझे पढ़ाई करने जाना है। अरे आओ यार आओ, चार साल से क्या पढ़ रहे हो मैं भी जानता हूँ। ये कोई फू तेरी तो केस पड़ रहा है यार। जाके पढ़ाई करो, 10 रुपए तो दो ना। मुझे सब करके बर्बाद नहीं होना। जाकर बर्बाद हो जा, इसकी जरूरत थी क्या? पाटिल जी, पाटिल जी। अरे कौन आया इतनी रात को है? अच्छा तुम हो क्या? नमस्कार पाटिल जी। क्या बात है? कुछ नहीं पाटिल जी, अब वो मेरी बेटी को पेट में दर्द शुरू हो गया है इसलिए। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ? आप डॉक्टर नहीं है ये हम जानते हैं पाटिल जी, अब हमारे लिए आप भगवान हैं। अब बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है इसलिए। देखो भाई, मैंने उधारी उधारी देना बंद कर दिया। सुनो, आपसे पैसे कौन मांग रहा है? हॉस्पिटल जाना है इसलिए जीप चाहिए हमको। इसे गवार कहीं के, इसके सामने आग दिखा रहा है, आंखें निकाल दूंगा तेरी। पाटिल जी, पाटिल जी शांत हो जाइए। समझा इस लौंडे को। हाँ मैं समझाता हूँ समझाता हूँ। ये जवान लड़का है ना, किससे कैसे बात करनी चाहिए समझता नहीं है। चुपचाप खड़े रहो, दया करके क्षमा कर दीजिए इससे। तुम बोल रहे हो इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो दफना देता इसे। ठीक है पाटिल जी, देखिए अब आप कृपा करके अपनी जीप हमें दे देंगे तो बेटी को हॉस्पिटल ले जा पाऊंगा। देखो भाई, जीप तुम्हें मैं दे देता, लेकिन मेरा ड्राइवर जो है वो गांव गया हुआ है। वैसे भी वो पुरानी गाड़ी है, उसे ड्राइवर ही हैंडल कर सकता है। अगर तुम लेके जाओगे तो बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाएगी, फालतू की मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। फिर क्या करोगे इसे ले जाके तुम? मेरी बात मानो, कोई दूसरी व्यवस्था करो, समझे? नहीं पाटिल जी, और कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा बेटा जीप संभाल कर चलाएगा। अरे भाई डिलीवरी का समय है, जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था कर लो। अरे पाटिल जी आप देखिए। पाटिल साहब, हे भगवान अब क्या करूं? इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसको एक ना एक दिन उड़ा दूंगा। ए चुप रहो,
इस वक्त ऐसी बात की जाती है क्या? कोई और व्यवस्था करते हैं। ए बेटा गाड़ी तैयार करो, चलो सभी गाड़ी तैयार करो, जल्दी चलते हैं। जल्दी करो, भगवान बचा लो। आगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालकी बेटा आ जाओ, हम अभी पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल बेटी। शांत हो जाओ बेटी, चुप रहो बेटी, चुप रहो। सुविधा ना होने की वजह से एक और मौत, सिर्फ एक मौत से आज हमें इतना दुख हो रहा है। लेकिन मैं कई सालों से दुख के सागर में डूब रहा हूँ और कोई अंत नहीं है। कितनों की मौत, कितनों का दुख, हमारी इस जान की कोई कीमत नहीं है। इंसान को जिंदगी मुफ्त में नहीं मिली है। इन सभी मौतों के पीछे एक ही कारण है, वो पता है क्या है? गांव में सड़क का ना होना, इसलिए ये सब हो रहा है ना? 15 साल पहले मैं जब सेना से रिटायर होकर आया था, तुम सभी बच्चे थे, मुझे आज भी याद है। त्योहार का समय था, बच्चों के लिए कपड़े लाने शहर गया था मैं। जब तक मैं लौट कर आया, छिपकली वाला खाना अनजाने में सब खा चुके थे। वो तड़प रहे थे घर में, उनको हॉस्पिटल ले जाना था, नहीं ले जा पाया, बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बचे। लोगों को ऐसी मौत से बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, गांव में सड़क बननी चाहिए। हेलो, हाँ हाँ आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ टेंशन मत लो। नमस्कार। नमस्कार, आज का प्रोग्राम क्या है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारी फाइल देखो। ये देखिए सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अरे वाला मेरे पास ही है, ये वाला पहनो पहनो। ये देखिए एमएलए शिव भैया जी की जय। एमएलए शिव भैया जी की जय। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। हम सभी तारापुर गांव से आए हैं सर। हाँ, 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 हाँ बताइए क्या बात है? हमारे गांव से शहर 15 किलोमीटर दूर है, बहुत मुश्किल होती हाँ, है। सारे बच्चे पढ़ने के लिए पैदल चलकर आते हैं, आपको तो पता होगा ना सर। हाँ, हाँ, शहर आने जाने की कोई सुविधा ही नहीं है, कोई बीमार वगैरह हुआ तो रास्ता ही नहीं है। बस तो हमारे लिए सपने जैसा है, और बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर आप हमारे गाँव में एक सड़क, एक बस की सुविधा, एक छोटे से हॉस्पिटल की व्यवस्था करवा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। आपके गांव में कितने वोट्स हैं? नेताजी हम तो समस्या लेकर आए हैं, अब वोट के बारे में पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं भाई, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को पार्टी मीटिंग में डिस्कस करके सॉल्व करवा लूंगा, लेकिन वो लोग मुझसे वोट का हिसाब मांगेंगे। 900 वोट होंगे, ये अर्जी ले लीजिए आप। अच्छा ठीक है, आप जाइए मैं बात करूंगा। अच्छा राजा, देख लीजिए आप पहले नेताजी, हमारा काम हो जाएगा ना नेताजी। चलिए मामा जी, अब क्या कर सकते हैं? अरे नहीं मामा जी, वोट मांगने के समय पैर पकड़ते हैं, हॉस्पिटल के बूढ़ों को लेकर वोट डलवा देते हैं, समस्या आने पर वोट का हिसाब पूछते हैं, ये कैसे नेता है मामा जी? मामा जी आप थे इसलिए मैं चुप बैठा था, नहीं तो मैं ना, नहीं तो क्या करते, उसे मार मार के उसकी औकात दिखा देता। तुम सब जवान हो, गर्म खून है, तुम्हें सब्र से रहना होगा। मैंने मिलिट्री में जाने से पहले भी यहां रास्ता बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब मेरे साथ कोई नहीं था, अब तुम्हारा साथ है। सरकार से मदद लेने के और भी बहुत रास्ते हैं, उनसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं, सड़क बिजली पानी हमारा मूल अधिकार है, हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम सबका साथ बहुत जरूरी है। कैसी बात करते हैं मामा जी, हम तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, क्या कहते हो यार? प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमारा यही सिद्धांत है, यही वादा, यही आत्मविश्वास आखिर तक रहेगा ना। रहोगे ना मेरे साथ? अरे क्या मामा जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, हम सभी अपने वादे पर खरे उतरेंगे, देखना। वादा है हमारा वादा, हम सभी
यही है वादा। अरे वो उस तालाब के पास कपड़े धो रही थी, तुम्हें देखना चाहिए था। अरे नमस्कार माँ। नमस्ते बेटा। ये लड़की हमारे ही गांव में रहती है। यार कितनी प्यारी लग रही है ना वो। हाँ यार, जवानी आने पर गधा भी प्यार करने लगता है। क्यों यार, पाटिल की पोती को जब भी देखता है मुंह खोलकर दांत दिखाकर हंसते हुए देखते रहता है, आखिर बात क्या है? तो अरे जमू क्या है यार, बोलो। अरे बता ना यार। हाँ, लड़की को देखकर शर्मा रहा है, इसका मतलब इसको प्यार हो गया है। ओहो, इसका मतलब पाटिल के घर का दामाद बनना फिक्स है। तो फिक्स है। अरे फिक्स होने के लिए पहले तो उसको अच्छे से पटाना होगा, बाद में घर ले जाकर कुटी पर बांधना कौन सा बड़ा काम है, छोड़ना यार। मुझे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है दादी माँ। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लड़कियाँ साड़ी में सुंदर दिखती है। चलो, सिर्फ आपके कहने पर आज मैंने साड़ी पहनी है। पता है आपको, मेरी सोन परी कितनी प्यारी लग रही हो। और आप भी। चलो चलो चलो। हमें सुबह उठकर नहा धोकर इस मंदिर में आने में देर हो। अरे 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 बेटी क्या हुआ? अरे अरे नीचे गिर गई मेरी बच्ची, क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? सड़क पर गिर गई है मेरी बच्ची, अरे कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। उठ जाओ बेटी, पैर में चोट लगी है क्या? अरे कोई है? चुप हो जाओ। अरे हमारे गांव का लड़का आ रहा है, चलो उठो जल्दी। दादी माँ रुक जाओ बेटे, इसे जरा घर तक छोड़ देना। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अपने गांव का ही लड़का है। चलो ठीक है, लेकिन आप संभल कर आइएगा। हाँ मैं संभल कर आ जाऊंगी। हाँ। बेटा तुम जरा इसे घर तक ठीक से छोड़ कर ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ ध्यान से आना। हाँ हाँ विजय। नहीं अजय, सॉरी सॉरी अजय, आप क्या काम करते हैं? अरे बहुत कुछ करता हूँ मैडम। सुबह सुबह उठकर गाय को बाहर बांधकर गोबर उठाकर दूध निकालकर डेयरी में डालकर घर के आंगन में पानी डालकर रंगोली डालकर बर्तन माँजकर और भी बहुत सारे काम। आप सच में ये सब काम करते हैं? अरे आप भी कमाल करती हैं, ये सब जवान लड़के करते हैं क्या? मेरी माँ सुबह उठते ही रोटी बनाकर देती है, रोटी खाकर खाने के बाद गाँव में समाज सेवा करता हूँ मैं। सीधा सीधा कहिए, गाँव में घूमते हैं? ऐसा मत कहिए, हमारे जैसे जवान लड़के घर संभालने के लिए थोड़ी ना बने होते हैं। अच्छा ये बताओ आपने क्या पढ़ा है? पति पत्नी मिडनाइट विशिष्ट आसन पढ़ा है। ये सब कौन सा कोर्स है? ये सब जवान लोगों के लिए कोर्स होता है, आपको जाना चाहिए। ओके लेट्स मूव। ओके ओके। वहाँ देख यार कितना मस्त लग रहा है। अजय अरे रुको, मैं जा रहा हूँ, देख रहे हो ना? अरे रुको, मैं आता हूँ, मैं वापस आऊंगा। सुनो संभल के वापस आना। वो कहाँ जा रहे हैं यार ये नैना, इसके साथ बैठकर कहाँ जा रहे हैं दोनों? ओ क्या बात है, सुबह सुबह इस तरफ? ऐसी कोई बात नहीं, बस तालाब को देखने आ गई। आप शहरी लोग खाना पचाने के लिए चलते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग खाने की तलाश में चलते हैं, कितना अजीब है ना? ऐसा कुछ नहीं है, शहर वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं? हाँ वो कितनी मेहनत करते हैं मुझे पता है। नल घुमाने से पानी आता है, बटन दबाने से गर्म पानी आता है, एक फोन करने से घर तक खाना आता है। लेकिन इन सब के लिए पैसा चाहिए ना, और पैसे के लिए मेहनत करना पड़ता है। पैसा? सभी शहरी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, आखिर में एक दिन कोई आकर दरवाजा तोड़कर सब चुरा के ले जाएगा। वही हमारे गाँव में दरवाजा खोलने से एक कुत्ता भी अंदर नहीं आता। अब बातें अच्छी करते हैं। ऐसा क्या, शायर की बातें सुनकर मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते हैं, और जो शायर नहीं उनकी बातें सुनकर खिले हुए फूल भी मुरझा जाते हैं। ग्रेट, आई एम वेरी ग्रेट यार। सुन यार, शहर की लड़की को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया यार। नहीं छोड़ूंगा यार, अगर वो धोखेबाज मैदान में नहीं होता ना तो क्या करता? अब तक घर के पिछवाड़े ले जाकर पिछवाड़े ले जाओ। और कुछ नहीं यार, बस उसको प्रपोज कर देता और क्या। छोड़ना इतना ही है ना, समझ में आ गया, चलना यार। लगता है उसकी शादी होने के बाद ये पीछे से प्रपोज करता ही रहेगा। उस बाजार में जाकर देखना चाहिए था यार, कितनी सारी बकरियां थी पता है? क्या बात कर रहा है, के बीच में ये भी बकरे की तरह दिख रहा था। अरे मेरे भाई लोग, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? वो पाटिल की पोती नैना होली खेलने आई थी, मुझे भी गुलाल डाल रही थी पर मैं बचकर आ गया। चलो यार हम भी दिखाते हैं कि हम किसी से कम नहीं।
बिल्कुल सही, हमारी आन बान शान को अगर कोई ललकारेगा तो उसे हरा कर रहेंगे। हाँ चलो भाई, हम सभी जाएंगे लेकिन तू नहीं। क्यों यार? सब कुछ जान कर भी अनजान मत बान। क्या हुआ? उस पाटिल की पोती से मैं प्यार करता हूँ ये तू अच्छे से जानता है, उसके बावजूद भी तू उसके पीछे पीछे घूमता है। अरे माँ कसम मुझे कुछ पता नहीं था। अब बस कर, ऐसा नहीं है यार। अबे अरे तो क्या किया? अरे रे रे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़की के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? एक माँ के बच्चे होने पर भी हम दोनों भाई हैं ये कहते थे ना। उसको जाकर समझाओ, उस लड़की के लिए मेरे ऊपर हाथ उठा है। अरे एहसान, अब इससे आगे उसके बारे में तूने एक और बात भी बोली ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। छोड़ ना यार, सुन ले, इसने मुझे उसके लिए मारा है, अब मैं देखता हूँ ये उससे कैसे लव करता है। काले चरण, तुझसे कह देता हूँ सुन ले, चाहे कोई भी आ जाए मुझे रोक नहीं सकता है, मैं उससे प्यार करके ही रहूंगा। ऐसा है क्या? देखता हूँ मैं भी, मैं तुझे बोल रहा हूँ मैं भी उससे ही लव करूंगा। हैप्पी होली। अबे शामू, लुंगी पहनने वालों को शहर की लड़कियां पटती नहीं है, पता है ना? ओ इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश। या ऐसे टुसपुस इंग्लिश बात करने से शहर की लड़कियां नहीं पटती है, उसके लिए ना शकल चाहिए, शकल। ओ लगता है इसीलिए इसके चेहरे पर इतनी गंदगी भरी हुई है। ए तू अपनी औकात में रह चमगादड़। को बोला बे चमड़ी? तू ये वो पद्मा को ले जाकर हर दिन। अपनी औकात में रह, क्या करेगा तू? तू और पद्मा झाड़ के पीछे क्या करते थे सबको बता दूंगा। अबे तेरी तो अभी तुझे मैं देखता हूँ क्या उखाड़ लेगा मेरा। क्या समस्या है तुम्हारी? ऐसा कुछ भी नहीं है, कल देखूंगा। करते रहते हैं दिन भर। देखो भाइयों, हर साल की तरह गांव देवी का उत्सव मनाने के लिए आप सभी ने इस साल भी मंजूरी दी है, ऐसा मैं मानता हूँ। पिछले साल पड़ोस के गांव वालों ने 200 भेड़ बकरियों की बलि देकर हमारे सामने मूछों पे ताव दी थी। जी 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 पाटिल साहब जी। लेकिन इस साल 300 भेड़ बकरियों की बलि देने के लिए पंचायत ने मंजूरी दी है। इस उत्सव में किसी भी चीज की कमी न हो, इसीलिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप सबकी मंजूरी है क्या? है पाटिल साहब, सबकी है। पाटिल साहब, त्योहार चाहे कितना भी बड़ा मनाइए लेकिन भेड़ बकरी की बलि नहीं चढ़ेगी। क्या बात कर रहे हो, उस गांव वालों से भी ज्यादा बलि देने के लिए हम सोच रहे हैं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हैं बोलो, फालतू की बात मत करो। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बलि देने से मना किया है, ये अपराध है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो इन्हें कौन समझाएगा? ओ, देख लो भाइयों, आ गया हमें ये कानून का ज्ञान देने। गलत को गलत कहना अपराध थोड़ी ना होता है। क्या गलत है इसमें? हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे वो गलत है। जो भी करना है करो, बलि नहीं देने दूंगा मैं यहाँ पे। पूरा गांव खामोश खड़ा है, तुझे चर्बी चढ़ गई है। अरे छोड़ो पापा, चुप रहे। अजय पाटिल साहब, मैं तुम्हारी जैसे ऐसे बात करेगा? क्या कर लेगा तू? चल देखता हूँ आज तू मेरा क्या उखाड़ सकता है। अगली बात ध्यान से सुन, उत्सव में हम लोग भेड़ बकरी की बलि देकर रहेंगे, तुझे जो करना है कर ले जा। देख लूंगा। अरे पाटिल साहब, मैं समझा लूंगा बेटे को। पाटिल बलि कैसे दे? तो किसी को साथ लेकर क्या रहा है? आप कौन है? हम टीवी चैनल वाले हैं। बाबा यहाँ पे क्यों आए हैं? सरकार का कहना है कि पशु बलि देना कानूनी अपराध है, पर फिर भी आप लोग पशु बलि दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग ये? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग है? इस गांव के लोग तो मांस मच्छी भी नहीं खाते और आप बलि देने की बात कर रहे हैं। पाटिल जी, मेम साहब ने मटन बिरयानी बनाई है, आपको बुलाया है। अरे ये पागल कहीं का, मैं क्या मांस मच्छी खाता हूँ? मुंह बंद कर और जाए यहाँ से।
मतलब पाटिल जी आप जो कह रहे हो वो सच है ना? अरे रे 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 भगवान जी की कसम, देवी माँ की कसम, सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है हम चलते हैं, लेकिन हमारे लोग आपके मेले में ही रहेंगे, आप सबको ऑब्जर्व करते रहेंगे, समझ गए ना? चलो पाटिल जी बलि दे क्या? बेवकूफ कहीं का, अरे वो टीवी वाले पुलिस वाले सभी मिलके हम पे नजर रखे हुए हैं, कुछ कम ज्यादा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? चुपचाप माँ की पालकी उठा, उत्सव मनाते हैं, क्या कहते हो भाई लोग? ठीक है पाटिल जी, आपकी बात कोई मना। पाटिल का घमंड तोड़ा है मैंने? अरे मैंने नहीं, तूने उस विजय की शक्ल देखने लायक थी। हाय हाय कांग्रेट। क्या कांग्रेस से हो? अरे नहीं कांग्रेट्स, मतलब बधाई दे रही हूँ। ओ ऐसा है? एक्चुअली कल के आपके काम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, आप जैसे अगर हजारों में से एक भी हो तो मासूम की हत्या को रोक सकते हैं। एनीवेज यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, कांग्रेचुलेशंस। लगता है देसी घी रोटी से मिल रही है, लगता है इसके साथ उड़ने वाली है।
हाँ पूरे हो गए। नमस्कार भैया। अरे हनुमान कैसे हो? अच्छे हो ना? और पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी एकदम ठीक हैं। मैं केएस एग्जाम देने वाला। मुझे पता है, पता है बेटा, अगले हफ्ते शुरू होने वाला। अच्छा हाँ। अरे वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, तुम पे बहुत भरोसा है। तुम्हारी माँ ना होने के बाद भी पापा ने पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। हाँ, अच्छे से पढ़ाई, तुम्हें अच्छे से पढ़कर रैंक लाना होगा। हाँ, है ना? जरूर। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, आप इसे रखो। अरे इसकी क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी रख लो। कौन है वहाँ? हमारे साउंड कम कर, साउंड कम कर। अरे देखना। अरे नालायको, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग बैठकर? कबड्डी देख रहे हैं तो तुम भी देखोगे क्या? अरे तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो और फालतू बकवास कर रहे हो? है मेरे पास बहुत काम है, दुकान नहीं जाना है क्या? पता नहीं कहाँ गए। अरे लाला, क्या लाला? ए लाला। हाँ क्या? अरे एक बात बताओ ना। हाँ बोलो। लाला ज्यादा गुस्सा मत करना, हमारे लड़कों को कहीं देखा है क्या? उनको ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। कचरे के ढेर में बैठ करके कबड्डी देख रहे हैं दोनों? अरे देख रहे हैं बेटे, कितना मजा आ रहा है। नालायक कमीना, सुबह सुबह यहाँ ऐसी गंदी फिल्में देख रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गंदे लड़के कहीं के, ऐसी फिल्में देखने का इतना शौक चढ़ा है ना तो तुम्हारी माँ को बता देता हूँ, तुम लोगों की शादी कर देगी वो। बोल दो क्या माँ को तुम्हारे? बोल दो माँ को तुम्हारे? शादी कर लोगे तो अच्छा है ना, कम से कम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। शादी की बात सुन के याद आया यार, ए हकले, कल तू गया था ना लड़की देखने के लिए? ए बताना कल क्या हुआ था? ए कैसी थी यार लड़की वो? वो तो चुप हो जा यार। रुकना, तू बता क्या हुआ? वो तो हम वहाँ गए थे ना। तुम ही लड़की देखने आए हो ना? हाँ, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लग रहे हो। ए कमला, जल्दी से लड़की को तैयार करके ले आओ। आ गई, आ गई। आ गई क्या? देख तो। अरे वो नहीं है यार, ये है। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम यार। अरे दो लड़कियां हैं यार। सुन यार, सुनना, तीन लड़कियां हैं यार, इसमें से हमारी शादी किससे होने वाली है? पूछेगा क्या? अरे इसकी ये पकोड़ा किसने बनाया है? क्या यार, तीनों भी एक दूसरे की शक्ल देख रही है। इसको देखो, चार दिन की सड़ी हुई बासी दाल लग रही है। वो देख, नारियल जैसी लग रही है, जैसे शरीर में खून ही ना हो। रुको, ये पकोड़ा किसने बनाया है? अरे ये पतोड़ा नहीं है, बोंदा है, बोंदा। देखो पतोड़े तो बोंदा कह रहा है। अरे ले, तुमने क्यों बात की? माँ ने कहा ताना मत करो। अरे इसको बात करनी है तो तलने देना, तू क्यों बीच में पल रही है? ये दोनों बात कर रहे हैं तो तुम दोनों क्यों कर रही हो? इन लोगों को कर ले दो, तुम तीनों में से किसी दो की शादी तो हो जाएगी। दो लड़के हैं, पसंद कर लो। अले दामाद जी, आप टेंशन मत लीजिए,
दुबान थोड़ी सही नहीं है। ये थाली है ना, इतने तादी तल लीजिए। अरे बाप रे। अबे थू इसकी तो। अबे बोंदा बोंदा अरे पता नहीं बोंदा बोंदा। अरे इस हकले को छोड़ यार, तेरा क्या हुआ बता यार। शादी वादी के झंझट में मैं नहीं पढ़ूंगा। इसे देखो यार, शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना, पत्नी का राशन पानी मांगना, झगड़ा करना, वो रोते हुए बच्चों की गंदगी इन हाथों से साफ करना, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ पहले ही बता देता हूँ। और नहीं तो क्या भैया, खुले सांड की तरह पूरे गांव में घूमता रहेगा क्या? अरे अगर पत्नी चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। हाँ समझ ले। अच्छा ठीक है, उस पाटिल की पोती के प्यार में तुम दोनों ने कोई शर्त लगाया था ना, उसका क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। दीदी दीदी पता है अगले हफ्ते हमारे स्कूल में फंक्शन है, आप हमें डांडिया खेलना सिखाएंगे क्या? ओ सॉरी बेटा, मुझे डांडिया नहीं आता, डांस सीखना हो तो बताओ। नहीं डांडिया सीख कर आने को कहा है टीचर ने। अब मैं क्या करूँ? अरे मैडम आप टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, बच्चों को सिखा दूंगा। आपको डांडिया खेलना आता है? ए, तुमने किस दिन खेला था यार डांडिया, बताओ तो जरा। ए, मैं हर खेल को जानता हूँ, हर नजारे को जानता हूँ, हर खाने को जानता हूँ। अरे चल यहाँ से। बेटा मिस हुआ ना तो तेरी उंगली गई समझो। अरे जाना। हाँ चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ। आप सच में डांडिया सिखाएंगे क्या? हाँ डांडिया पकड़िए, खेल अपने आप आ जाएगा। नो नो नो, अब बस बच्चों को सिखाइए, इतना काफी है। डांडिया खेल रहा है बेवकूफ कहीं का। आपको डांडिया पसंद है क्या? हाँ हाँ तो मैं सिखाता हूँ ना, आइए। श्योर पकड़ो। हाँ ये ऐसे। हाँ और ये हाँ इस तरह। हाँ ऐसे ये ऐसे। हाँ यहाँ। हाँ 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 चलो हम खेलते हैं। हाँ ये ऐसे और ये ऐसे। देखा कमीने मेरे खेत में हल चला रहा है। विशाल भैया मैं पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ, ये मेरे पिताजी का सपना था। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, आखिर वक्त में बीमार हो गए। उन्होंने मेरे एग्जाम के लिए अपनी जमीन बेचकर पैसा भरा, लेकिन मैंने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। विशाल भैया आपने मुझ पर विश्वास रखा था, उसे भी बचा न सका, सही समय पर एग्जाम देने नहीं जा सका, अब मेरे जीने से क्या फायदा। दया करके मुझे क्षमा करिएगा विशाल भैया। आराम से नीचे लिटाओ उसको, आराम से इसको पकड़ रख लो। हाथ रख लो, हाथ रख लो। मर गया क्या? ए, ए, बेवकूफ बेवकूफ हो तुम, कितना डरपोक निकला। एग्जाम तो हर साल आता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसमें भी फेल हो गया, पास हुआ ही नहीं ये लड़का। पुलिस को फोन करो। हाँ आइए आइए। देखिए सर हमारे गांव की समस्या समझ गए ना, ये सब आप अपने पेपर में छाप कर सरकार की नजर हमारी गांव की तरफ घुमा देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। ओके ठीक है। अरे बाप रे। नमस्कार पाटिल साहब। सर ये हमारे गांव के पाटिल साहब हैं, और पाटिल साहब ये न्यूज़पेपर से आए हैं, हमारे गांव में सड़क और ब्रिज नहीं है, इसके बारे में रिपोर्टिंग करने आए हैं। नमस्ते पाटिल। अरे तेरे नमस्कार को मैं आग में डालूं? कौन है तू, यहाँ क्यों आया है और यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे पाटिल साहब दिमाग खराब हो गया क्या आपका, ये हमारा भला करना चाहता है, आप इसको गाली। बकवास बंद कर, मेरे सामने जुबान चलाता है। अरे सुनिए पाटिल जी, गांव की भलाई करने के लिए रिपोर्टिंग करने वाले के साथ ऐसे क्या? किसने बोला रे तुझे? यहाँ देखो हमें यहाँ कोई ब्रिज नहीं चाहिए, कोई सड़क नहीं चाहिए, चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। छोड़िए इसे, ये सब क्या हम अपने लिए कर रहे हैं, गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे किसे चाहिए रे तेरी भलाई? आपको नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए ना। ए भिखारी की औलाद, मुझसे तू ऊंची आवाज में बात कर रहा है, मेरे सामने जुबान चला रहा है? कान खोल के सुन ले, यहाँ का कानून भी मैं ही हूँ, सरकार भी मैं ही हूँ। चल निकल जाए यहाँ से। पाटिल जी दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो काट डालूंगा।
मेरी ये बात याद रखना, चल निकल यहाँ से। तेरी तो बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। छोड़ ले मुझे विजय, अभी इसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। आइए पाटिल जी, आपके खिलाफ जाकर यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ए गमार कहीं का, लेकिन तुझे दिखाऊंगा मैं। आइए पाटिल जी। अरे रे रे रे, ये कुआं बहुत साल पुराना और गहरा है। मेरे दादा परदादा उनके पैदा होने से पहले का कुआं है ये। ए, बैठा बैठा क्या सोच रहा है तू? पाटिल जी, वो मिलिट्री वाला सड़क ब्रिज को लेकर कभी कभी हंगामा किया करता था, लेकिन अब हमारे गांव के लड़के भी शुरू हो गए। जानता हूँ भोला, गांव के लड़के उसके बहकावे में आके हमारे खिलाफ हो रहे हैं। उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उन नालायकों के बीच में मैं क्या हाथ डालूं रे? तो फिर उसके लिए मेरे पास आदमी है ना, वो सब संभाल लेंगे। वो कितना बड़ा पहलवान है पाटिल जी? बड़ा नामचीन पहलवान है भोला। अच्छा? वो आएगा। ए सूर्या, मेरे गांव के कुछ लड़के मेरे सामने बहुत उड़ रहे हैं। मैं जो भी काम करता हूँ वो रोकने आ जाते हैं, जो कुछ भी बोलता हूँ उसमें टांग घुसेड़ने आ जाते हैं। आप बस एक इशारा कीजिए पाटिल जी, वो कमीने खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे वो लोग, दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे आपके खिलाफ। क्या यार? पूरे गांव वाले छोड़ने के लिए यही आते हैं। सरस्वती का पति। अरे चुप कर। क्यों रे, दिखाई नहीं देता क्या? रास्ता तेरे बाप का है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे गांव का रास्ता है। किसको जाने के लिए बोल रहा है? तू क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? कौन है तू? बोलना। छोड़ा तो तेरी तो छोड़ा क्या?
इसे क्या हुआ? अरे विजय क्या हुआ? इसे क्या हुआ यार? चलो यार चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। आइए विशाल भैया। कैसे हो तुम सब लोग? हाँ हम सब तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं बताइए? हाँ मैं भी अच्छा ही हूँ। ये ऐसे बैठकर क्या सोच रहा है? ए बेटा अजय। ए हाँ मामा जी। क्या बात है इतनी गहरी सोच में डूबे हो? कुछ भी नहीं मामा जी। लगता है तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है वो तो मामा जी। मैं समझ गया। एक अच्छा काम करने के लिए निकले हो लेकिन वो तुमसे अकेले नहीं होगा। ठीक है ना? यही बात है ना? ओ माचिस देना मुझे। ए देना। छुप कर बीड़ी पीता है चोर कहीं का। देखो बेटा एक माचिस की तीली है टूट गई, वही चार माचिस की तीली हाथ में लेकर अब तोड़कर दिखाओ। नहीं टूटेगा। पहले जब सब एक साथ थे सब ठीक था, अब अलग हो गए हैं तो ताकत बट गई है ना? पर विजय मुझसे नफरत करता है मामा जी। अरे बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? ओए महात्मा थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? उसने तुमसे कोई झगड़ा किया क्या? जब दूसरे लोग तुझे मार रहे थे तो किसने बचाया था? हा? वो इसकी बहुत चिंता करता है बता रही हूँ ना। सुन लिया ना? हा? गलतफहमी में मत रहो, दोनों एक हो जाओ। मैं तो तैयार ही हूँ मामा जी। उससे मैं बात करूंगी, तुम चुप ही रहना। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो, ये काम तुम करोगे। अरे छोड़ो विशाल भैया। मैं बात कर लूंगी विशाल भैया, मैं बात कर लूंगी। ये लो भैया तुम बीड़ी पी लो। ए मेरी बात मान ले यार, जिद मत कर, चुपचाप मेरी बात मान ले, ये जिद छोड़ दे यार। कह रहा उसकी बात मान लेना तू। जिद मत करो, दोस्ती टूट जाएगी यार, जिद छोड़ दो। ठीक है यार, जब सारे दोस्त फिर से एक होना चाहते हैं तो मैं मना करने वाला कौन हूँ? चलो यार जो होगा देखा जाएगा उसी के अड्डे पर। लेकिन कहाँ पर? अरे पागल कहेंगे, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता है क्या? सारे दोस्त एक होने की खुशी में चमेली के अड्डे पर इकट्ठा होके सभी लोग मस्ती करना चाहते हैं। चमेली के अड्डे पर? अरे मैं भी चलूंगा वहाँ पर। हाँ। जल्दी करो चलो। हाँ। चलो चमेली। Oh,
मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। रुक जाओ भाई। क्या हुआ? जब देखो तब जोशीले सांड की तरह अपना काम निकल जाता है तो फिर यहाँ से भाग जाते हो, लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? मतलब क्या है? मेरा पांचवा महीना चल रहा है। क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या कहा था तूने? जो करना था सब करके अब झूठ बोल रहा है। क्या? मैं झूठ नहीं बोला। जो झूठ तुम बोल रही हो, कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आप में से कोई भी उस पाटिल के बारे में नहीं जानता। पूरा गांव उसके अंडर में होना चाहिए, पूरी लोग उसकी बात माननी चाहिए, यही चाहता है वो। ऐसा नहीं होता तो विकास की ओर ले जाए बगैर आपको अंधेरे में क्यों रखता? हाँ, अगर आपको लड़ना है तो पहले उसके खिलाफ लड़ना होगा। कितने दिन ऐसे रहोगे? गांव में ना हॉस्पिटल है, ना बस है, ना सड़क है। हाँ, बिल्कुल। और कितनों की मौत देखना चाहते हैं आप लोग? पहले पूरे गांव वालों को मना कर पाटिल का जो अहंकार है ना, पहले उसे तोड़ना होगा। पहले ये काम करो, अगर नहीं तो आपका भला कभी नहीं हो सकता, इस गांव की तरक्की नहीं हो सकती। आगे आपकी मर्जी, जो करना है कर लो, बस समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा गांव सड़क के बगैर कितनी तकलीफ में है, सब लोग देख ही रहे हैं। तकलीफ का सामना भी कर रहे हैं लेकिन सोचते नहीं। शहर जाने के लिए सड़क और ब्रिज के बारे में कभी किसी ने सोचा है क्या? बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हर साल कितने लोग मर रहे हैं, आप सभी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अभी भी उस पाटिल से डर कर चुप नहीं रह सकते, अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। देखो भाइयों, हमारे गांव में सड़क और ब्रिज होना चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो अर्जी पर साइन करो, हमारे गांव में सड़क का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ साइन करो। अरे विजय, क्या हुआ? ये चला क्यों गया? क्या हुआ यार? ए अकले, सुबह में अपना विजय ऐसे ही चला गया यार। मुझे भी यही शक हो रहा है यार, वो कहीं पाटिल के साथ मिलकर कोई नाटक तो नहीं कर रहा है ना? सही कहा, पाटिल से अंदर ही अंदर पैसा लेकर कुछ तो बात कर रहा है वो, मैंने खुद देखा था। ये तो सच कह रहा है यार, हम सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचारा अजय भी कितनी मेहनत कर रहा है। उस लड़की के लिए वो विजय पाटिल के साथ मिलकर हमारे गांव की बलि देने निकला है। ए हकले सुनना, एक बार अजय से बात करके देखते हैं यार, मुझे लग रहा है वो अपने दिल में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बकवास कर। सुनो दोस्तों, उसको सबक सिखाना ही होगा, क्या कहते हो?
कहने के लिए कुछ नहीं है, पकड़ के धो देते उसको। चलो यार, आज इसकी बॉट लगा देंगे। चलो चलो, रुक जाओ ना यार। अरे रामू, अरे अब मैं क्या करूं? ए विजय, क्या हुआ? अरे धोखेबाज कही के हमारे साथ साथ रहकर अंदर ही अंदर पाटिल को सपोर्ट करके नाटक करते हो, भोले बनते हो। बताना। अरे इससे क्या बात कर रहे हो, मारो इसको। नाटक करते हैं, मारो 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 मुझे। क्यों रुके तुम लोग, मारो ना मुझे। मैं क्या पागल हूँ उस पाटिल का सपोर्ट करने के लिए? मारो यार, तुम्हारे अलावा मुझे मारने का अधिकार और किसी को नहीं है। उस पाटिल के साथ रहता हूँ सिर्फ तुम्हें इतना ही पता है ना। लेकिन एक और बात है जो तुम लोग बिल्कुल नहीं जानते। विजय। हमा, यहाँ आओ बेटा। ये क्या है बेटा, कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे? कुछ जिम्मेदारी भी उठाओ या बाहर जाकर कुछ काम धंधा भी ढूंढ लो बेटा। अरे मेरी फूटी किस्मत, तेरे पापा भी किसी की बात नहीं मानते थे, शराब पी पी कर अपनी जान गंवा दी। तेरे पापा ने सिर्फ इस घर के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद करके चले गए। तुम ऐसा मत करना। चुप रहो माँ, ऐसी बातें मत करो। सुनो बेटे, तुम्हें चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, सिर्फ तुम्हारे पापा की समाधि को बचा लो बेटा। ठीक है माँ, बचा लो। तुम अब शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। माँ पानी पी लो। माँ माँ पानी पी लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो माँ। माँ माँ माफ कर दे यार, हमने भाई हमसे गलती हो गई है भाई, हमें माफ कर दे। हमने मारा इसे। इतना सारा दुख अपने दिल में छुपा कर अकेले तड़प रहे थे ना तुम, हमें क्यों नहीं बताया? हम सब मर गए थे क्या? ऐसा क्यों किया तूने? हमें बताया क्यों नहीं तूने कभी? कैसे बताऊं यार, एक तरफ सुए की सड़क बनाने के लिए जिद कर बैठा है और दूसरी तरफ मिलिट्री मामा जी हम लोगों पर कितना विश्वास रखते हैं पता? अरे विजय, माँ बाप की समाधि पर सड़क बन जाए, गांव वालों की भलाई होगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? सच बात है, अगर सड़क बन गई तो मेरे मरे हुए माँ बाप की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी यार। तो अब चलो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। चलो। अरे सोच क्या रहे हो, चलो सबक सिखाते हैं। चलो 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 आ जाओ विजय, चलो। लगता है ये सब फिर से एक हो गए हैं, बताता हूँ इनको। अरे रे, देखो देखो सभी लोग देखो, बच्चा रो रहा है, देखो सभी देखिए। ऐसे खड़े मत रहिए, सामने आइए, ये किसका बच्चा है बताइए हमें? एक मासूम बच्चे को झाड़ियों के बीच छोड़कर चले गए, इंसानियत के दुश्मन कैसे लोग हो तुम? सामने आओ। पाटिल जी, ये जो कुछ भी हो रहा है गांव के लिए ठीक नहीं है। अरे शिव शिव, इस गांव को क्या हो गया है? ए, जो नहीं देखना था वो देखना पड़ रहा है, जो सुनना नहीं था वो सुनना पड़ रहा है। कौन है वो वहशी दरिंदा? कौन है इस बच्चे का बाप? हाँ जो भी है चुपचाप सामने आ जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ। सामने आओ। अरे सामने में क्या, आखिर किसका बच्चा है ये? अरे ये तो मरने के लिए बोल रहा है। ओह आओ आओ आओ, क्या किया है तुमने ये सब? अगर इतना ही दुख था तो कोई तालाब और कुआं नहीं है क्या हमारे गांव में? इतनी गंदी हरकत क्यों की? ए, तेरा पति तो मर चुका है, फिर ये बच्चा कैसे आया? चल बता कौन है वो, किसका है ये बच्चा, कौन है इस बच्चे का बाप, कौन है? ये काम तो हकले का ही है। ए, बोलना कुछ। ये क्या रे हकले हैं?
तू कब से ऐसा काम करने लगा? बदमाश कहीं का? भोला, इसे मार के गांव के बाहर निकाल दे। ताना पानी सब बंद कर दो। सुनिए, कहीं का हमारी गांव की इज्जत को? अरे रुकिए, बहिष्कार कर दो इसका। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने जो बोला है वही होगा। इसको तो हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ऐसे फैसला नहीं लिया जाता। रुको, ये इस तरह गांव से निकालना, बहिष्कार करना, ये किस लिए पाटिल जी? आप अभी भी कौन से जमाने में जी रहे हैं? ए शंकर, यहाँ आओ। पाटिल जी, गलती सभी करते हैं। गलती इसकी नहीं है, इसके उम्र की है। हो गया है अनजाने में। क्यों रे, अब इससे शादी करेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? भैया ये क्या बात कर रहे हैं आप? वे विधवा है, कैसे शादी कर सकते हैं? विधवा औरत का कोई भी हक नहीं होता है क्या? हाँ, पति के मरने के बाद ये जी नहीं सकती क्या? अरे छोड़ो ये सब, पहले इनको जीने का मौका दो ताकि ये भी जी सके। पाटिल जी, एक मंगल सूत्र मंगवाइए। अरे जाओ ना भोला, पाटिल जी कह रहे हैं ना, जाकर ले आओ। ए भोला। अरे पाटिल जी शांत रहिए, मंगल सूत्र लाने दीजिए, इनकी भलाई के लिए इनको आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम ये सब क्या करने जा रहे हो? अरे पाटिल जी, इन्होंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। लीजिए, मंगल सूत्र आ गया, दे दो। अरे दो ना, इधर। सुनो गांव वालों, आप लोगों को साक्षी मानकर हमारा शंकर इस औरत को नया जीवन दे रहा है, आशीर्वाद दीजिए। तालियां, ताली बजाओ सब लोग। बीड़ी के अंदर गोबर डालते हैं। अबे मारूंगी ना। तो शकल देख अपनी। अरे इसको पैदा करने से पहले इसके मुंह में कुछ रखा था क्या? अरे अजय विजय, पाटिल की माँ फिसल कर गिर गई है, सर पर चोट लगा है, खून बह रहा है। पाटिल जी गांव में नहीं है। चलो सब लोग हॉस्पिटल लेकर चलते हैं उनको। मरने दो यार, हमें क्या करना है? विजय, पाटिल कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, ऐसे टाइम में उसका साथ देना जरूरी है। अरे चलो 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 चलो। क्या हो गया माँ जी? क्या हो गया माँ जी? माँ जी, बाबा, माँ जी, अम्मा पाटिल जी, ऐसे और कितनों की बलि चढ़ेगी गांव में सड़क ना होने की वजह से? अम्मा, मुझे माफ कर दे माँ, अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा।
मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती थी, मुझे समझ में आ गई विशाल, अपने स्वार्थ के लिए इस गांव में सड़क बनने से पिछले 50 सालों से रोक रखा था मैंने। इसी कारण से ही आज मैंने अपनी माँ को खो दिया। आंसू मत बहाइए पाटिल जी। बहुत हुआ, अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। चलो आज ही अर्जी देकर सड़क के काम पे लग जाते हैं। चलो सब लोग। आपने कमाल कर दिया पाटिल जी। लोग कहते हैं पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं होता, गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। आप कोई अलग थोड़ी हैं, लेकिन अब तक जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है, सबसे बड़ी कामयाबी है ना बच्चों? अब हम लोग चलें क्या अर्जी देने के लिए? चलो चलिए, चलो आइए। अर्जी देने के लिए हमें एक फॉर्म फिल करना है। एक दो तीन, कितने शॉल रखे हैं यहाँ पर? सबको हो जाएगा ना? पूरा हो गया साहब। नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे हमारे पाटिल जी एक बड़े समारोह में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आपका सोचना सही है। देखिए इस गांव में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये बात सबको पता है। आप सबके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और इस गलती का दंड भी भर चुका हूँ। लेकिन आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे गांव की जो सड़क बन रही है वो इनके ही प्रयास का फल है। नहीं, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। हाँ। सब भगवान की लीला है। अगर मैंने आपका जरा भी दिल दिखाया हो तो मुझे माफ कीजिए। अरे अरे विशाल भाई, आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं है, ध्यान देने की बात है। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत अच्छा है, इस वजह से ये काम आसानी से पूरा हुआ, हमारा सपना पूरा हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे गांव के लड़कों का, सारा श्रेय इनको मिलना चाहिए। अगर इनका संकल्प नहीं होता तो और 50 साल तक ये काम नहीं हुआ। जी हाँ जी हाँ, ये बात सच है, 100% सच है। अरे गांव के नौजवानों चलो ऊपर आओ। आओ बेटा, अगर नहीं आया तो बहुत मारूंगा। अरे यार तालियां बजा, मजा आ गया। डालो डालो पूरी माला डालो, मैंने तो पहन लिया। बाप रे शाबाश शाबाश, ये लो। अरे ये लो। अरे हकले, अच्छा उस नाटक का बर्थडे जी के शाबाश। हाँ शाबाश बेटा। शाबाश, चलो चलो। एक दो तीन चार, हाँ। लड़कों में शरारत तो होती है, लेकिन इस बार हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं। आप सब गांव वालों का साथ हमें मिलेगा ना, तभी हमने जो काम हाथ में लिया है वो पूरी तरह से कामयाब होगा। क्या कहते हो दोस्तों? गांव के लड़के, गांव के लड़के।